तुम्हें जिंदगी के अंदर गुलाबी चीजें तो बहुत देखी होंगी, जैसे कि गुलाबी कारपेट, गुलाबी फूल, लिटरली गुलाबी हैंडल। लेकिन एक चीज जो गुलाबी अभी तक नहीं देखी ना, वो है एक फोन। और आपको पता है कि मैं किस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो है आपका अपना आईफोन 16। Honestly, इस बार मैं ये कहूंगा कि आईफोन एक्चुअल में बहुत ही फजूल और घटिया और डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए निकले। और सोचो, ये मेरा जैसा बंदा कह रहा है जिसको एप्पल से मोहब्बत है। तो भाई, इस साल के लिए मेरे पास कोई डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स नहीं है कि ये फोन कैसा है। हाँ, ये फोन है फ्लूइड, लेकिन 15 भी वैसा ही था, 14 भी वैसा ही था। लेकिन अगर मुझसे कोई गन पॉइंट के ऊपर पूछे कि हाँ भाई बता इसका सबसे अच्छा फीचर क्या है, और मैं वो ये कहूंगा, फीचर तो नहीं है सबसे अच्छा, लेकिन ये कहूंगा कि जो डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक में भी है, सयान में भी है और टील में भी है आई थिंक, तो वो सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पॉप करते हैं। कैमरे के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, दैट्स क्रेजी यार। हाँ, प्रोसेसर वगैरह इसके अंदर ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द क्लास है। मुझे लगता है कि एंड्रॉयड फोन से बहुत आगे हैं आईफोन 16 के प्रोसेसर्स, और उनको तो अभी भी कैचअप करना पड़ रहा है इस 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स की सीरीज को। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स एक ये फ्लूइड फोन है और इसमें कोई लैग वगैरह कुछ भी नहीं है, बट आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। और उसकी मेन वजह ये कि $800 का फोन है विदाउट एनी टैक्सेस, और टैक्सेस में ला दे तो ये $850-860 का फोन है। तो लेट्स जस्ट से कि 2 लाख 2 लाख 20 हजार रुपए का ये फोन पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। ये आप बात याद रखें कि इस फोन के अंदर, इस प्यारे से फोन, इस गुलाबी फोन के अंदर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, ये सबसे बुरी चीज मुझे लगती है कि ये जो सादे आईफोन्स हैं जो $800 के लिए बेच रहे हैं, उसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। एक प्लस पॉइंट इसका मुझे याद आ गया कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो 2000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ है, जो कि सेम है 15 प्रो और प्रो मैक्स की भी ब्राइटनेस के। लेकिन सबसे मजे की ये बात है कि इसके जो डिस्प्ले है उस जो ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जाती है, लेकिन ये नीचे लेके आ सकते हैं 1 निट तक, जो कि आपको बताया कि जब आप सो रहे हो या फिर डार्क कंडीशंस में हो, वो आपको कितनी मदद कर सकती है, आपकी आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ेगा। कैमरास की बात करना चाहूंगा, वो ये है कि इन्होंने इसके अंदर एक और बटन डाल दिया कि है एक कैमरा कंट्रोल का बटन। मैं ये कहूंगा कि इस चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हूँ। मैं ये भी कहूंगा कि जब 15 प्रो और प्रो मैक्स एक्शन बटन के साथ आए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो भी गिमिक है, लेकिन ओवर द फर्स्ट ईयर मैंने उसको इतनी दफा इस्तेमाल कर चुका एक्शन बटन को शॉर्टकट के लिए, एप्स के लिए, कि मुझे अब ऐसा लगता है कि वो यूजफुल है। तो अगेन, अभी तो मुझे ये लग रहा है कि कैमरा कंट्रोल जो है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद आगे जाके मैं इस्तेमाल करने लग जाऊं। फर्स्ट इंप्रेशंस के तौर पे मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई यूजेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑन स्क्रीन जो कंट्रोल्स हैं कैमरा के, वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा फास्ट हैं, इंस्टेड के मैं इसके इधर उंगलियां इस तरह स्लाइड करता रहूं। और बाकी स्टूडियो ग्रेड इसके अंदर माइक्रोफोन्स है, माइक्रोफोन्स में एक्चुअल में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। अगर मैंने रिव्यू किया तो उसमें बात करेंगे माइक्रोफोन्स के बारे में, लेकिन ओवरऑल माइक्रोफोन की बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। लेकिन अगेन, $800 में 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, कम ऑन एप्पल यार, थोड़ा सा भाइयों का, पाकिस्तानियों का, थोड़ा देसी कम्युनिटी का, ये क्या बोल। लास्टली, कैमरा कंट्रोल के अलावा जो सबसे बड़ा फीचर्स इस आईफोन 16 की सीरीज के अंदर आया, वो है एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि मजे की ये बात है वो अवेलेबल ही नहीं है ऑन लॉन्च। वो आएगा या तो दिसंबर में या फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर सारे फीचर्स रोल आउट होंगे। अभी इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन फीचर है वो ये है कि इसका प्रोसेसर तेज है, इसकी बैटरी थोड़ी सी बेहतर, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बटन है। बट अदर देन दैट, मुझे लगता है कि ये फोन जो है उन लोगों के लिए जो कि आईफोन 10, आईफोन 11 या आईफोन 12 से अपग्रेड करना चाह रहे हैं और थोड़ा बेहतर फोन लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 14, 15 है तो आई डोंट नो, यू शुडंट बाय इट यार, थोड़ा सा पैसों का ख्याल रखो। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप क्या लोगों ये पसंद आई हो। थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि मैं अच्छी बनाऊँ, लेकिन शुरू में इंट्रो मैंने अच्छा बनाया, लेकिन फिर मैं सुस्त हो गया, फिर मैंने कहा कमरे में बना लेंगे। खैर, अपनी दुआ में याद रखें, और अगली वीडियो पता नहीं कब आती है, 2 साल बाद शायद। ओके, बाय।